मिर्जा भूषण सरन सिंह ने ऐलान किया था अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। बेटियां सार्वजनिक तौर पर बैठ के कह रही हैं कि यौन शोषण करता था, अब इसको समझने के लिए कहां जाना पड़ेगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को दंगाइयों को रिहा किया गया, ठीक उसी तरीके से मिर्जा भूषण सरन सिंह को यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पहलवान लड़कियों के यौन शोषण की शिकायत थाने में दर्ज ना हो और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए उसके बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तुषार मेहता के शब्द नहीं है। पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला सत्यपाल मलिक ने उठाया, इस पर भी मौन रहा। पहलवान लड़कियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी उदारता के साथ में 28 तारीख की डेट दी और 28 तारीख से पहले मैंने कहा मुकदमा दर्ज होना है। पुलिस के ताकत नहीं है, पुलिस कानून की नौकर है, पर मैं हैरान हूँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने उन्होंने नजीर बना दी। जब देश में ओलंपिक विजेता पहलवान लड़कियों के यौन शोषण की शिकायत थाने में दर्ज ना हो और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट के जज इतना बड़ा अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों को बाईपास दे दें, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की जिम्मेदारी बनती थी तत्काल FIR दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करने का नजीर बनानी थी। हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, देश के अंदर अगर आप देखें बलात्कारियों की बहुत बड़ी कतार है, तो ओलंपिक पदक विजेताओं को पहले लिखित थाने में शिकायत देनी पड़े, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। और तब मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मुकदमा तो दर्ज होगा, पर देखना रोचक है कि यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार होगा कि नहीं, ये आपके सामने है। 28 तारीख से लेकर आज 2 मई हो गई है, उस पर पास्को का बाल संरक्षण का भी कानून है जिसमें मैं आपको बता दूं जमानत नहीं होती है गिरफ्तारी के बाद। और अब बड़ी रोचक बात आपको देखनी पड़ेगी, जब ये पहलवान लड़कियां यहां बैठी जनवरी में तो मिर्जा भूषण सरन सिंह ने चैलेंज किया, 20 जनवरी की बात कर रहा हूं, मिर्जा भूषण सरन सिंह ने ऐलान किया था अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज होने के बाद मिर्जा भूषण सरन सिंह क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी अमित शाह और नड्डा में से अगर कोई एक बोल देगा कि मैं इस्तीफा दूं तब मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ऐसी स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेताओं की मांग की अनसुनी कर यौन शोषण के आरोपी के साथ में नरेंद्र मोदी खड़ा है, उसके साथ में अमित शाह खड़ा है, पूरी भाजपा खड़ी है, इसलिए नड्डा जो है इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस दिन तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में गया था दिल्ली पुलिस के कई वकील होते हैं, हम पहली मर्तबा देख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल यौन शोषण के आरोपी के पक्ष में और यौन शोषण की पीड़ित ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया और क्या बोला था, पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए उसके बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तुषार मेहता के शब्द नहीं है, तुषार मेहता ऐसे संघ परिवार से नहीं है जिस तरीके की स्थितियां संघ परिवार की हैं। तब मैं ये कहना चाहता हूं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक और बड़ा आरोप लगाया है मिर्जा भूषण सरन ने, उसने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर ये पहलवान लड़कियां यहां बैठी हुई है। मेरा 35 साल से लंबा सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है और मेरा दुख की बात है कि मैंने ऐसे सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए ऐसी महिलाओं की घटनाओं को भी सुना और समझा जो वैश्यावृत्ति करती हैं, लेकिन चौराहे में बैठने का साहस हमारे देश में वैश्यावृत्ति करने वाली मजबूर महिलाएं भी नहीं करती हैं। तब ऐसे में हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियां सार्वजनिक तौर पर बैठ के कह रही हैं कि यौन शोषण करता था, अब इसको समझने के लिए कहां जाना पड़ेगा। मैं एक बात आपको तफ्ती से समझाता हूं, हमारे देश में एक इनका संत है आसाराम, आसाराम पर अगस्त 2013 में आसाराम की भक्त की नाबालिग बेटी ने बलात्कार का आरोप लगाया और वह लड़की सीधी आई और सीधी जब थाने में पहुंची कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ,
कोई टीवी अखबार वाले नहीं थे, हम भी वहाँ खड़े नहीं थे। वो लड़की थाने में गई और मुकदमा दर्ज हुआ आसाराम के। आसाराम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी, ये सब के मत्था टेकने वाले लोगों में से रहे। इतने ताकतवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और यहाँ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता 10 दिन से बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज अपने दायित्व का निर्वाह ढंग से नहीं कर रहे हैं और ऐसा नजीर बना रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता यहाँ बैठी हुई है, तब हमको सोचना पड़ेगा कि देश के दूर दराज में, जैसे मैं जिक्र करूं हाथरस की, जिस बेटी का कमर तोड़ दी गई, जवान काटी गई थी, उसकी सुनवाई भी कैसे, वहां पुलिस के आला अधिकारी प्रशांत ने कहा था कुछ नहीं हुआ। आप सबके सामने है कठुआ की 8 साल की बच्ची जिसका अपहरण करके मंदिर में रखा गया था, गैंग रेप किया गया था, और उसके पक्ष में तब जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल भाजपा के मंत्रियों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, आपके सामने है गैंगरेप पीड़िता जिसकी 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी, उसकी माँ, उसके परिवार की और महिलाओं का बलात्कार किया गया था। मैं बिल किसका जिक्र कर रहा हूँ, उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई, उसको उसके बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, दंगाइयों को रिहा किया गया, ठीक उसी तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तब सवाल आता है, क्या कारण है नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही, 100वीं मन की बात, लेकिन नरेंद्र मोदी के मन में हमारे देश में बलात्कार पीड़िता ओलंपिक पदक विजेता लड़बेटियों के मन प्रति एक रत्ती भर भी जगह नहीं थी, इसलिए उसने जिक्र नहीं किया। मैं उसलिए शब्द कह रहा हूँ, इसलिए यह शब्द कह रहा हूँ, ये नालायकी है। हमारे देश के अंदर पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला सत्यपाल मलिक ने उठाया, इस पर भी मौन रहा। इसके अलावा हमारे देश के सामरिक स्थान, बंदरगाह, एयरपोर्ट, हमारे देश की रेलवे लाइन और हथियार बनाने के कारखाने, चांगचुंग लिंग है चीनी, अदानी के माध्यम से चीन को बेचे जा रहे हैं, इस सवाल पर भी नरेंद्र मोदी ने मौन रखा है। तो हम सोच रहे हैं 3 अक्टूबर 2014 से जब से तुमने अपने मन की बात शुरू की, तब से लेकर चाहे तुम ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के यौन शोषण की बात तुमने सुनते हो, पुलवामा में जवानों की हत्या, देश पर चीन का कब्जा हो रहा है तुम नहीं सुनते हो, हमारे देश में किसानों ने शहादत दी वो बात तुमको नहीं सुनाई देती है, हमारे देश में कोरोना को रोकने के लिए कमेटी बनी है, उस डॉक्टर ने कहा कि 96% भारत के 12 साल तक के बच्चों को कोरोना हुआ है, तुमने लॉकडाउन करके देश बर्बाद किया, इसमें हजार सैकड़ों लोगों की जाने गई, ये तुम नहीं सुनते हो, हमारे देश में टैक्स पद्धति बदल करके तुमने देश बर्बाद कर दिया, ये बात तुमको नहीं सुनाई देती है। तब मैं कहना चाहता हूँ एक बात, आप सब लोग गांठ बांध कर सुन लो, देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। ये मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन की होती तो ये बेटियों की बात जरूर करता।